नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे दिमाग में है, जो हमेशा लोग पूछते हैं कि सर जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसको किस हिसाब से करें, स्कैल्पिंग करना है तो कौन सा टाइम फ्रेम पकड़े, कितने टाइम तक उसको होल्ड करें। तो देखिए ट्रेडिंग के अंदर चार तरह के ट्रेड्स होते हैं जो नॉर्मली लोग ट्रेड करते हैं। पहले हो गया आपका स्कैल्पिंग हो गया, उसके बाद हो गया आपका डे ट्रेडिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, और उसके बाद से लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाला हो गया या इन्वेस्टमेंट की तरफ हो गया। तो जो आप स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं तो वो मेरे हिसाब से कुछ सेकंड से या मिनटों के बीच में वो रहता है, लोग उस हिसाब से उसको ट्रेड करते हैं और आपको ट्रेंड के साथ चलना पड़ता है। और यदि आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको आपके ट्रेड को जो होता है कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक ही उसको होल्ड करना है, पूरा दिन नहीं होल्ड करना है। डे ट्रेडिंग का मतलब आपने सुबह एंटर किया, शाम तक निकल गए या कुछ घंटों के अंदर निकल गए, ठीक है। तो मिनटों से लेकर आवर्स तक आपको उसको होल्ड करना है, उससे ज़्यादा होल्ड नहीं करना है अगर आप डे ट्रेडिंग पर फोकस कर रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग आती है, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया कि आपने आज किसी के अंदर एंट्री लिए, आपको होल्ड करना है कुछ दिन या हफ्तों के लिए, महीनों तक नहीं हफ्तों के लिए, ठीक है। जैसे आज मैंने लिया है, हफ्ते भर या दो हफ्ते के अंदर एक अच्छी स्विंग में हमको एक मूव मिली, हमने उसमें से एग्जिट कर लिया, ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। तो आपको आपकी प्लान बनानी है कि आपको स्विंग ट्रेड करना है, डे ट्रेड करना है कि स्कैल्पिंग करना है। फाइनली आता है लॉन्ग टर्म आता है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप जब भी एंट्री लेते हैं उस पोजीशन को आपको पकड़ के रखना है मंथ या इयर्स तक, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म हुआ यानी कि आपने दो महीना तीन महीने तक होल्ड किया, छः महीने तक होल्ड किया, या एक लॉन्ग टर्म स्पेसिफिक है साल भर दो साल के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं एक बड़े प्रॉफिट के लिए, ठीक है।